आज हम बात अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए पर करने वाले हैं। इसमें आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के एक से बढ़कर एक तरीके जानेंगे जिनसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अपनी वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में कुछ लोग ये 5 गलतियां करते रहते हैं। अपनी वैल्यू न बढ़ने का 5 कारण। 1, अपनी काम को छोड़कर दूसरे के काम को वैल्यू देते हैं। अपनी काम करते समय कोई आपको बुला लिया तो अपना काम छोड़कर उसके काम में लग जाते हैं। 2, फ्री टाइम में अपने दोस्त के पास रहना और जरूरत पड़ने पर आप पास नहीं होते हैं। कोई आपके लिए हर चीज कर रहा है और आप उसकी बात को काट देते हैं, इसकी वजह से वैल्यू कम हो जाता है। 3, अपने आप को अपडेट न रखना। यदि आप थोड़े से नॉलेज लेकर किसी टॉपिक्स पर बात करते हैं तो आपकी बात लोगों के बीच वैल्यूएबल नहीं होता है। 4, गुस्सा करते हैं और दूसरों को कमेंट करते हैं। यदि आपसे कोई गुस्सा से बात करता है तो आप उस इंसान को कभी अहमियत नहीं देंगे। 5, हमेशा दूसरों से एक्सपेक्टेड करते हैं। दोस्तों, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए रोज अपने बनाए नियमों पर कायम रहे। सभी जानते हैं कि इज्जत कमाने में बरसों लग जाते हैं। आपको डिसिप्लिन में रहना है, अपने आप को पूरी तरह चेंज करना है। बदलते समय के अनुसार यदि आप अपडेट नहीं रहेंगे तो लोग आपको पुराने जमाने के ही समझेंगे। अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, जो आपको तरीके बता रहे हैं वो आपकी वैल्यू बढ़ाने में 100% काम करेगा। 1, पहले अपनी वैल्यू करो। यदि आपको अपने ही ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो आप कोई काम कैसे कर पाएंगे, आप क्या है। जब तक आप खुद को ही वैल्यू नहीं देंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। खुद को वैल्यू देने से ही आप कॉन्फिडेंस से किसी काम को कर पाएंगे और दूसरों की नजर में अपनी वैल्यू बढ़ा पाएंगे। 2, टाइम किसी को ज्यादा न दे। दोस्ती, यारी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का साथ अपनी जगह पर ठीक है, पर इसका मतलब यह नहीं कि अटैचमेंट होने पर हमेशा चिपके रहे। आपको उतना ही साथ बिताना है जितना जरूरी है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम समय बिताए, उन्हें एहसास दिलाए कि आप बिजी पर्सन हैं। यदि अपनी अहमियत दिलाना चाहते हैं और अपनी वन कॉल पर तुरंत रिसीव करवाना चाहते हैं तो आपको कम समय देना है। अपनी बातों से सामने वाले को रेस्पेक्ट देना। 3, दूसरों के लिए अपना समय बर्बाद न करें। कोई आपको याद नहीं करता है, कोई पूछता नहीं है तो आप दूसरों के लिए अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अपनी मदद खुद करो, ना अपने को इस काबिल बनाओ कि आपके आगे हर मुश्किल छोटी लगे। आपके पास इतना समय नहीं होना चाहिए कि फालतू घूमने फिरने में समय बर्बाद करे। 4, अपडेट रहे। आज के समय हर चीज बदल अपडेट रहा है और आप वैसे के वैसे पुराने हैं, आप में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सबको अपडेट चीजें ज्यादा पसंद आती है, तो आपको भी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बदलना है कि नहीं। अपनी बात करने का स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल, हेयर स्टाइल, इन सबको बदलना जरूरी है। यदि अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए ताकि लोगों के सवालों का जवाब आपके पास हो, जिससे वजह से आपकी वैल्यू बढ़े। 5, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाए। हो सकता है जो आपके आसपास है वो आपको वैल्यू ना देते हो, आपकी अहमियत को नहीं समझते हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि जो आपको नहीं जानते हैं वो भी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे। अपनी काम से लोगों को अपनी तरह आकर्षित करिए। अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाए तो ऑटोमेटिक लोग आपकी वैल्यू देने लगेंगे। 6, कुछ अलग करे। अपने लाइफ को एक टर्निंग मोड़ दीजिए, कुछ अलग करिए। जरूरी नहीं कि जो पैसे कमाने के लिए जॉब करते हैं वो ही आप भी करें। अपना बॉस खुद बने। लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दीजिए कि उन्हें भी आपकी तरह बनना है। 7, कम बोले। आप हर चीज जानते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ बोलते रहे और सामने वाला क्या कह रहा है उसकी बातों को इग्नोर करें। कम बोलने से हर व्यक्ति आपके बातों को बहुत गौर से सुनते हैं, जिससे आपकी बातों का वैल्यू बढ़ता है। तब सबको लगता है कि आपकी बातों में वजन है। आप जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप किसी के साथ इतना चुप होकर बैठे कि सामने वाला बोरियत महसूस करे। कब, कहाँ, क्या, कितना बोलना है, इस बात का ध्यान रखने से हर कोई आपकी अहमियत को समझेगा।